खबर है मिर्जापुर से। माँ विंध्यवासिनी धाम में बसंतिक नवरात्र के मेले के प्रथम दिन व हिंदी नववर्ष के प्रथम दिन में माँ के चरणों में शीश झुकाकर केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम ने सपरिवार विधिवत दर्शन व पूजन किया। इस दौरान मंदिर में स्थापित समस्त विग्रहों का भी बारी बारी से दर्शन पूजन किया। साथ ही मंदिर के छत पर लगभग एक घंटे तक उन्होंने शतचंडी का पाठ किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता कर उन्होंने बताया कि नवरात्रि के प्रथम दिन हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन आज माँ के दरबार में उन्हें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौरान उन्होंने माता के चरणों में बार बार प्रणाम किया और प्रार्थना किया कि यह सौभाग्य उन्हें अनेकों बार मिलता रहे। मिर्जापुर के विंध्याचल से सूरज कुमार की रिपोर्ट। आज मैं नवरात्रि का प्रथम दिन, हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन, आज माँ के दरबार में आने का सौभाग्य मिला है। मैं माँ के चरणों में बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि सौभाग्य अनेक बार मुझे प्रदान करें और जो भक्त यहाँ पर आए हैं उन सबको भी प्रदान करें। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आज माँ के धाम से ही पूरे प्रदेशवासी, पूरे देशवासी, जो माँ के भक्त हैं उन सबको नव संवत्सर की और नवरात्रि की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।